नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18th of April। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन्स पर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेटली यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि जब भी कोई किसी भी पैरामीटर पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो HDFC बैंक अनाउंसेस दैट इट हैज साइंड अ मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट विद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया। तो यहाँ पर एग्जिम बैंक, बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया, जो उसके साथ एक अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है HDFC बैंक ने, और ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो देखो, इसमें दो चीजें आ रही है, एक तो आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, और दूसरा यहाँ पर आप लोगों को एक इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं कि क्या है ये और ये क्या कहता है यहाँ पर। तो बेसिकली HDFC बैंक, जो कि लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है हमारे इंडिया में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर इंडिया में 8 टाइप के बैंक है। ठीक है, 8 टाइप्स के बैंक, जैसे कि बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक, PSU बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया नेटवर्क बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सारे बहुत सारे तरीके के बैंक हैं। तो 8 टाइप के यहाँ पर बैंक है, उसमें से प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक जो आज के टाइम में HDFC बैंक है, उसने मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है एग्जिम बैंक के साथ। ठीक है, एग्जिम बैंक, और वो भी यहाँ पर कौन से देश के साथ, तो कोरिया, है ना, विद अ टोटल वैल्यू ऑफ $300 मिलियन। एंड द साइनिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से प्लेस में ये अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, गिफ्ट सिटी गुजरात। दैट एम्स टू हेल्प HDFC बैंक रेज फॉरेन करेंसी फंड विच विल बी यूज टू सपोर्ट कोरिया रिलेटेड बिजनेसेस। राइट, जितने भी कोरियन रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो कि इंडिया में भी यहाँ पर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू फुलफिल किए जाएंगे, उन बिजनेसेस को यहाँ पर क्या मिलेगा, फंड्स मिलेगा, फॉरेन करेंसी फंड यहाँ पर रहेगा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी अग्रीमेंट को लेकर, किसी सेक्टर को लेकर, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितनी भी उनको हेल्प है रिलेटेड टू फंड, वो सब वहां पर मिलती रहे। ठीक है, तो क्रेडिट लाइन विल बी यूटिलाइज्ड बाय HDFC बैंक फॉर द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज विद इक्विटी पार्टिसिपेशन बाय कोरियन फर्म्स, कंपनीज हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद कोरियन कंपनीज एंड कंज्यूमर हु विश टू परचेज कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कोरिया रिलेटेड कंपनीज। राइट, तो यहाँ पर HDFC बैंक इसके साथ अग्रीमेंट में आया है, पैक्ट में आया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन किस पैरामीटर पे बन सकता है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू पर यहाँ पर बन सकता है, तो फंड आउटले पर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, प्लस बैंक को लेकर बन सकता है। तो हाउ मच इज द क्रेडिट अग्रीमेंट साइन बिटवीन HDFC बैंक एंड इम्पोर्ट एंड सॉरी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया फॉर, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर $300 मिलियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, आप जरूर इसके पैरामीटर्स को ध्यान रखिएगा। एक, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, फंड पर बनेगा। दूसरा, कहाँ पर साइन हुआ, तो गिफ्ट सिटी गुजरात। ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात में हुआ। तीसरी बात, के बैंक कौन सा इन्वॉल्व है, तो हिंदुस्तान का HDFC और वहां का आपको हो जाएगा एग्जिम बैंक फॉर कोरिया। राइट, तो ये 2-3 पैरामीटर्स पर आप अपने बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक और बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इधर। तो कैनरा बैंक एंड NPCI तो यहाँ पर अनाउंस किया ऐसे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विसेज का। तो देखिए, अगर मानिए कि आप बाहर कहीं हैं, ठीक है, आप कहीं बाहर है और आप इंडिया में किसी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया में, आपकी फैमिली रहती है और आप उसके लिए, उनके लिए मोबाइल का रिचार्ज या फिर गैस सिलेंडर का पेमेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना चाहते हैं और आप कहीं बाहर है, तो आप कैनरा बैंक से अगर जुड़े हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। तो कैनरा बैंक एंड NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड have collaborated to launch a service that allows Indians residing in Oman to take payments for their bills in India, right? तो ओमान में अगर आप कहीं हैं और आप कैनरा बैंक से जुड़े हैं, तो आप इंडिया के सभी बिल्स को यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। कैनरा बैंक हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट फीट बाय बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू प्रोवाइड इनबाउंड क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विसेज थ्रू BBPS, right? ब्रेक थ्रू रहेगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
आप बहुत सारे लोग, दोस्तों हम इंडियंस है ना, हर जगह हैं दुनिया के, हर वर्ल्ड के हर कोने में आपको इंडियंस मिलेंगे, और उन इंडियंस की फैमिलीज आपको आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में रहती हुई मिलेगी, ठीक है। तो उन जो बच्चे बाहर निकल चुके हैं, जिनके माता पिता यहाँ अकेले हैं, जो इतने ज्यादा डिजिटल नहीं है, अब वो वहां बैठकर भी सारे उनके काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस लॉन्च बाय कैनरा बैंक एंड एनपीसीआई, तो करेक्ट हो जाएगा, टू एनेबल इंडियंस इन ओमान टू मेक बिल पेमेंट्स इन इंडिया। वैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ ओमान ही नहीं बल्कि मलेशिया, मालदीव्स, कहीं से भी बैठकर आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, ठीक है, जिम्बाब्वे है, जो अलाउ करती है, और इवन इंडियन करेंसीज एक्सेप्ट भी करती है। आपको पता है अभी मैंने रिसेंटली विजिट किया था, तो वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान की करेंसी भी एक्सेप्टेबल थी, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके, चलो ठीक है, हम यहाँ पर जो करेंसी हमारी, जो इंडियन करेंसी, वो वहां पर लीगल टेंडर है, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर क्या है, आरबीआई रिलीजेस नॉर्म्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स बाय बैंक अदर इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो बेसिकली ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है, एक नॉर्मल भाषा में आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ तो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो यहाँ पर एक्सेप्टेंस होती है ना पैसों की, आरबीआई उसके ऊपर नॉर्म्स निकाला है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन फॉर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। दीज डिपॉजिट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर फाइनेंशियल वेंचर सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन बिल्डिंग्स, राइट। तो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन डिपॉजिट्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं नए रूल्स एंड रेगुलेशन टू ऑफर ग्रीन डिपॉजिट टू कस्टमर्स, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड कस्टमर्स इन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फिर कंपनी जो एनबीएफसीज, ठीक है, उन सबके लिए है। ये भी एट टाइप ऑफ बैंक जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, उनकी पार्ट है एनबीएफसी भी, ठीक है। एक होता है जैसे सिर्फ गोल्ड में जो डील करते हैं, एक होता है एनबीएफसी होता है, जैसे मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, इक्विटास, सबके नाम सुने होंगे आपने, स्मॉल बैंक होता है, पेमेंट बैंक होता है, ये अलग टाइप के टाइप होते हैं, ठीक है, बैंक्स के। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट आर ग्रीन डिपॉजिट, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर्स टू सपोर्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर, रिपोर्ट और इंडेसिस पर है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अंकटाड के द्वारा, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू डी डेक्सिलरेट टू 6% इन 2023 फ्रॉम 6.6%। यहाँ पर एक स्लो डाउन देखने को मिला है, 6% पर आकर रुकने की बात है हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है 2023 के लिए, कहना है किसका, अंकटाड का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The report also predicts a decline in the global growth in 2023 to 2.1% from the previously projected 2.2%, right? However, this projection is based on the assumption that the adverse impact of higher interest rates on the financial sector is limited to the first quarter bank runs and bailouts, right? तो ये सबसे बड़ी बात कि ये किसका है, तो ध्यान रखना अंकटाड का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन इंडिया फॉर 2023, तो करेक्ट हो जाएगा 6%, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, न्यूज नंबर 5, और यहाँ पर हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं। जो लेबर मार्केट है हमारे इंडिया का, उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट पर, जो कि लास्ट 15 बिलियन पीपल है जो कि वर्क फोर्स में यहाँ पर आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के डिस्कशन का। तो इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट हैज शोन अ मार्जिनल इम्प्रूवमेंट इन मार्च क्वार्टर विद एन इंक्रीज ऑफ 0.3% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी। देखो ये डेटा जो है कौन रिलीज करता है ना, उसका नाम प्लीज याद रखना CMIE, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रेट रोज टू 36.9% अप फ्रॉम 36.6%, और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर बात रहेगी। व्हाट वॉज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन मार्च क्वार्टर, तो करेक्ट हो जाएगा 36.9। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर,
न्यूयॉर्क सिटी हैज अपॉइंटेड फर्स्ट एवर रैट क्रेजर टू रिड्यूस अ नंबर ऑफ रोडेंट्स रोमिंग थ्रू आउट द सिटी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कैथलीन कोराडिया, ठीक है, कैथलीन कोराडिया ने यहाँ पर अपॉइंट की गई है, जो कि अपॉइंट हुई है NYC न्यूयॉर्क सिटी की मेयर एरिक एडम्स टू टैकल द सिटी सीवियर रोडेंट इशू रैट क्रेजर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वहां चूहों की वजह, चूहों की जो पॉपुलेशन है ना बहुत बढ़ गई है न्यूयॉर्क में, उसको कम करने के लिए एक यहाँ पर बोलूँ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का मान लीजिए डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पर रेड पॉपुलेशन क्रिएटिंग अ क्लीनर एंड मोर हॉस्पिटेबल एनवायरमेंट फॉर रेजिडेंट्स। इन एडिशन द एडम्स एडमिनिस्ट्रेशन इज डेडिकेटिंग 3.5 मिलियन टू द हर्लीन रैट मिटिगेशन जोन। राइट, तो यहाँ पर ही कंट्रोल किए जाएंगे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि फंड आउटले पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ रैट क्रेजर इन न्यूयॉर्क सिटी, तो करेक्ट हो जाएगा टू ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू कंट्रोल द रैट पॉपुलेशन। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से हम सुन रहे थे हुगली रिवर के अंडर जो मेट्रो चल रही है कब चालू होगी, कब टेस्ट ट्रायल रन होगा। मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ दिनों पहले इसका ट्रायल हुआ और सक्सेसफुली ये यहाँ पर रही है। तो कोलकाता की मेट्रो है, आपको पता है अंडर वाटर मेट्रो है, पहली हमारी इंडिया की। तो कोलकाता मेट्रो अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एज इट बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन इंडिया टू कंप्लीट अंडर रिवर जर्नी। द मेट्रो इज गोइंग टू पास द अंडर वाटर टनल बीनीथ द हुगली रिवर, जिसे हम गंगा भी बोलते हैं, एंड विद द जनरल मैनेजर पी उदय कुमार रेड्डी ट्रेवलिंग फ्रॉम महाकरण टू हावड़ा मैदान स्टेशन इन ब्रेक नंबर MR612 एट 11:55 AM विद सीनियर्स, एंड ऑल्सो NHN जायसवाल ऑल्सो accompanied him during the historic journey, right? तो ध्यान रखना ये जो मेट्रो है यहाँ पर उसका ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है, बहुत जल्द ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ओपन हो जाएगी। तो विच सिटी मेट्रो ट्रेन हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रन अंडर अ रिवर, तो करेक्ट हो जाएगा कोलकाता, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर, LIC अपॉइंट्स PC पेकरे, अपॉइंटमेंट पर है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हमेशा मैंने आप लोग को बताया है। रत्नाकर पटनायक एज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रत्नाकर एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रिप्लेसिंग PR मिश्रा। रिप्लेस किसको किया है ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, और नया कौन आया है ये नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो PC पैकरे हैज बिकम नेम्ड द न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर टेकिंग ओवर द तबलेश पांडे ऑन द सेम डेट। तो दो अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर हुई है बेसिकली, है ना, और रिप्लेसमेंट के भी नाम दिए गए हैं आपको, दोनों के नाम याद रखेंगे और किसने रिप्लेस किया किसको ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो डैश अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC, करेक्ट हो जाएगा रत्नाकर पटनायक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर, पहली कंट्री बनी है घाना टू अप्रूव मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय टीम बिहाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड्स कोरोना वायरस जैब। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, घाना मेड द हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द हाईली इफेक्टिव मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द UK। द वैक्सीन कॉल्ड R21 मैट्रिक्स एम हैज सक्सीडेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट ऑफ 75% एफिशिएंसी, मेकिंग इट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड टू 619,000 पीपल डाइड फ्रॉम मलेरिया in 2021 and the vast majority of deaths being children in the sub-saharan africa। to yahan par ghana ne history create ki hai, pehli aisi country bana hai jo ki bachcho ke liye effective malaria vaccines yahan par develop kar paya hai, theek hai, naam yahan par aapko pata hona chahiye। which country has become the first to approve the oxford malaria vaccine for children, to correct ho jayega yahan par ghana। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी दोस्तों इंपॉर्टेंट डे के ऊपर, हम एंड करेंगे आज के हमारे सेशन को, तो वर्ल्ड छागास डिजीज डे, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कॉकरोच की यहाँ पर ये थोड़ी सी बात रहती है। तो एवरी ईयर ऑन 14th of April वर्ल्ड छागास डिजीज डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस दैट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हार्ट एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन ट्राइनोसोमियासिस साइलेंट डिजीज एंड साइलेंस डिजीज कॉज बाय द ट्राइनोपोजामा क्रूजी पैरासाइट विच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बग, ठीक है, कॉमनली नोन एज किसिंग बग।
इन द रूरल एरियाज विद अ पुअर हाइजीन एंड कंडीशन, पर्टिकुलरली दोज आर इम्प्रोवाइज्ड, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि साफ सुथरा नहीं है जगह, कंडीशंस खराब है लोगों की रहने की, गांव के एरिया में तुमको ज्यादा दिखाई देगा। एक ऐसा जो मतलब होता है ना बग टाइप का, आपने जरूर देखा होगा कभी ना कभी, गांव वाँव में और खेत खलियानों में जरूर रहता है, वो काट लेता है वो बग, ठीक है? उसकी वजह से जो दिक्कत होती है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि थीम दी गई है, तो थीम आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने हमेशा बताया थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी आप इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर डेट पर आपसे पूछा गया है, व्हेन इज द वर्ल्ड छागस डे और छागस डिजीज डे ऑब्जर्व, तो करेक्ट हो जाएगा 14th of April, राइट? दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इनोवेटिव लगा होगा। तो आगे इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप, रेगुलरली वीडियोस दे सकते हैं होम सेक्शन पर, जहां पर मंडे टू सैटरडे आपको डेली करंट अफेयर्स के शोज मिलेंगे, लाइव कंटेंट मिलेगा, शॉर्ट्स मिलेंगे जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल्स यहाँ पर देंगे आपको हर एक टॉपिक के ऊपर। प्लेलिस्ट पर मन चाहे सब्जेक्ट की वीडियोस और मन चाहे एग्जाम की प्रिपरेशन वीडियोस के थ्रू आप कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस पर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं जो आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ना केवल इन सब सोशल साइट्स बल्कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारे साथ हसल फ्री वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रेपरेशन शीट्स एंड प्रैक्टिस शीट्स आपको दी जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इन सभी वीडियोज की लिंक आपको सबसे पहले वहीं पर मिलेगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप ले जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।